सिरोंज जिला खाद्य विभाग की टीम ने कई मिठाई की दुकान एवं दूध डेयरी पर छापा मारा। भनक लगते ही मिनटों में अनेक दुकानों के शटर हुए जाम। शहर के काढ़ाली बाजार में मिठाइयों के कारोबारियों में मचा हड़कंप। आपको बता दें कि काढ़ाली बाजार मिठाई का बड़ा मार्केट माना जाता है। इस जगह जब खाद्य विभाग की टीम पहुंची तो आनन फानन में मिठाई विक्रेता अपनी मिठाई को छुपाते नजर आए, लेकिन अधिकारियों की नजर से नहीं बचा सके। मिठाई की जांच की, नमूने भी लिए, साथ ही टीम ने खराब तेल और दूषित खाद्य पदार्थों को नाली में फेंकवा दिया। कई दुकानदारों को इसकी सूचना पहले से थी, उन्होंने मावे का स्टॉक नहीं रखा, अनेक ने शटर गिरा लिए। जिला खाद्य अधिकारी जगदीश एवं नायब तहसीलदार रामेश्वर दांगी, सिद्धांत एवं पटवारी मौजूद रहे। यह जांच छतरी नाका, कटेहरी बाजार, चांदनी चौक, कोट गेट एवं अन्य कई दुकानों पर की गई। छतरी नाके साइड पर यहां पर मिठाइयों की दुकानों पर और तमाम जो दूध डेयरियों पर लगातार छानबीन की जा रही है, लगातार हम 2-3 दिन से देख रहे हैं। और तमाम जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं वो भी इस पर लगे हुए हैं, नायब तहसीलदार साहब भी हैं, RI पटवारी साहब, तमाम 2-4 लोगों की टीम बना के शहर के अंदर लगातार छानबीन शुरू की जा रही है। आप मेरे पीछे साइड देख सकते हैं, अभी इन्होंने कुछ सैंपल यहाँ पर इकट्ठे किए हैं, नमूने, और ये चिन्हित कर लिए हैं इन्होंने किस किस दुकानों पर अभी तक कहाँ कहाँ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिला खाद्य अधिकारी भी मौजूद हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे क्या क्या हो रहा है। सर, सर अभी तक कितने नमूने लिए हैं आपने? अभी सुबह से एक नमूना यहाँ पर लिया है और अभी आज दिन भर कार्रवाई जारी रहेगी। तो कहाँ कहाँ क्या कुछ आपको गड़बड़ियाँ मिली क्या? अभी सिर्फ दूध का एक नमूना लिया है और आगे अभी कार्रवाई करेंगे तो आपको और डिटेल दे देंगे। सर, सुरोंज के अंदर बड़ी तादाद में मावा आता है, बाहर से आता है, इसके लिए क्या प्रयास किया आपने? इसके लिए नमूने लिए गए हैं और अभी SDM साहब ने टीम गठित की है, उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। ये सके हलवाई खाने में एक बहुत बड़ा मतलब एक बाजार लगता है मावे का, वहाँ पर आपकी विजिट हुई क्या अभी तक? जी जी, पिछले त्यौहार पे हुई है और वहाँ से सैंपल भी कलेक्ट किए गए हैं। क्या ये सिर्फ ईद त्योहारों के लिए देखे जाते हैं या रूटीन काम है आपका? ये रूटीन वर्क है और अभी पूरे मध्य प्रदेश में माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के निर्देश हैं और इसको डेली रूटीन में कार्रवाई जारी करनी है। जैसा कि साहब का कहना है, ये रूटीन वर्क है और हर बार इसको देखा जाता है और लगातार इनका प्रयास चल रहा है।